बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित की जा रही है। वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता नजर आए। देखने वाली बात ये है कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलने वाला है। वहीं बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के नेता मधु गौड याक्षी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री पहले ये तो जवाब दे, आपने 9 साल में किया क्या है? प्रधानमंत्री ने कहते थे 2014 में 60 साल आपने कांग्रेस को सत्ता दिए थे, मुझे 60 महीने दीजिए, इस देश की तरक्की भविष्य बदल दूंगा। आपने 9-10 साल में किया ही क्या है, कुछ बता सकते? जो करोड़ों लोग कोविड के समय कैसे बेरोजगार पर घूम रहे थे, कितने लोग मृत्यु हो गए थे, कहां जवाब दिए थे? अब बात भ्रष्टाचार की, जो नेचुरली करप्ट पार्टी के नेता आप कहने की एक हफ्ते में कैसे आपके साथ शामिल हो गए, आप गले मिल रहे हैं, ये कैसी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? ये 6 साल के अंदर बीजेपी पार्टी ने 10,122 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपने लिया, और उसके बावजूद आपने जो कानून लेके आए, जो पॉलिटिकल पार्टी ये बताने की जरूरत नहीं है उनको पैसे कहां से मिला, और ये भी कहा आपने कंपनी एक्ट बदल कर, कंपनी को ये भी बताने की जरूरत नहीं है कौन से पार्टी को दिए, तो किसकी पैसी है ये? भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है? आपकी जैसा 9 साल में आपने फॉर द फ्यू कॉरपोरेट, हाफ द फ्यू कॉरपोरेट एंड ऑल योर गवर्नमेंट वर्किंग फॉर फ्यू कॉरपोरेट पीपल, नॉट फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आपने देश को धोखा दिया और देश को नुकसान किया, और आप ऊपर से भ्रष्टाचार की परिवार की बात कर रहे हैं। हाँ, हम कांग्रेसवादी इससे गौरव से कहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी परिवार के, गांधी फैमिली के परिवार के हैं। जो पंडित नेहरू जी थे 16 साल देश की आजादी के लिए जेल गए हैं और इस देश के निर्माण किया है। जो नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को जो कुल के जो गाली दिया है, उनके ऐसे ऐसे छोटे पार्टी से जाके भीख मांग रहा है। दे वॉन्ट टू शोइंग नंबर दिखा रहा है। आप पार्टी का नंबर दिखाओ। जो रिजल्ट आने वाला है देश का जनता को समझ में आ चुका है। इनका अच्छे दिन भी याद आ गया, 15 लाख याद आ गया, जो 50 लाख करोड़ जो कर्जा था देश का, 130 लाख करोड़ जो बनाया है, तो इन लोगों को उसमें भी इनको अवार्ड मिलना चाहिए। स्विस बैंक का काला धन कहाँ चले गया? हाँ, मीन्स सारे वो झूठ बोलने के, एक इवेंट मैनेजमेंट चला रहे, लोगों को समझ में आ गया। कोरोना काल हो, जो किसान आंदोलन में इनके नाक के नीचे, वो अभी मिजोरम में स्टार्ट हो रहे, आपस में लड़ाना बंद करे, इस तरीके का बयान बंद करे, तो आपका झोला, जो झोला लेके आए था, झोला हम तैयार रखा है, झोला देने का काम करेंगे, झोला लेके जाना है।